हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मसाला गपशप पर। आज हम बात करने वाले हैं फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर की शादी के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद बॉलीवुड के पावर कपल फरहान और शिवानी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। 17 फरवरी को दोनों की हल्दी सेरेमनी हुई, जिसको पूरी तरह से प्राइवेट रखने की कोशिश की गई। सुनने में आ रहा है कि दोनों मराठी रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं, लेकिन अब तक कुछ साफ नहीं हुआ है। इन सब के बीच दोनों की शादी से जुड़ी एक नई जानकारी भी सामने आई है। फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर ना तो निकाह पढ़ने वाले हैं और ना ही मराठी रीति रिवाज से शादी करेंगे, बल्कि दोनों ने अपनी शादी को अलग अंदाज में करने का सोचा है। दोनों कपल ने अपनी सिंपल शादी करना चाहते हैं। दोनों में से एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, इसी वजह से वह नहीं चाहते कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की धार्मिक परंपराओं को मानने के लिए मजबूर हो। इसी वजह से दोनों ने अपनी मन्नतें लिख ली हैं, जिसे वह 19 तारीख को शादी वाले दिन पढ़ेंगे। शिवानी और फरहान को जानने वाले लोग यह भी अच्छे से जानते हैं कि दोनों का प्यार धार्मिक परंपराओं से ऊपर है, इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे को पूरी आज़ादी दी है। दोनों कपल ने शादी की बेहद ही सुंदर प्लानिंग की हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि दोनों कपल खंडाला में शादी करने वाले हैं। यहाँ पर मेहमानों के रहने के लिए बंगले में बुकिंग भी हो गई है। फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर की शादी में दोनों के करीबी मेहमान ही शामिल होंगे। तो अभी के लिए गाइस बस इतना ही। बॉलीवुड दुनिया की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मसाला गपशप के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।